हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको थोड़ा सा हार्ड डिस्क के बारे में समझा रहा हूँ इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज थी उसको समझेंगे, उसमें कैसे क्या होता था, और आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी SSD आ गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, ओल्ड हार्ड डिस्क में आप देखें, ये मैंने इसका कवर खोला हुआ है। इस हार्ड डिस्क ड्राइव में आपको जो सबसे पहले दिखेगा वो क्या दिखेगा, सबसे पहले आप इसमें देखिए, ये होता है प्लेटर। प्लेटर मतलब पहले जो और ओल्ड हार्ड डिस्क थी उसमें एक प्लेटर, दो प्लेटर ऐसे भी होते थे। ठीक है, प्लेटर का इस पर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, और इस पर 0-1 में डेटा क्या होता है, लोड होता है। 0 को हम कहते हैं बिट्स और 1 को कहते हैं लेंथ्स। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 0-1 में पूरा डेटा होता है। इस तरह से ये ट्रैक्स होते हैं, इसके बाद इसमें इस तरह से सेक्टर्स होते हैं, ये कंसेंट्रेटिक होते हैं, मतलब माने हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से हार्ड डिस्क का ये डिवीज़न रहता है। तो सबसे पहले ये प्लेटर देखिए, इसी पर सारा आपका जो डेटा रहता है कंप्यूटर का, वो सारा इसी पे लोड रहता है। ठीक, इसे हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। इस डिवाइस को परमानेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्लेटर इसमें फिक्स रहता है। ठीक, इसमें सारा डेटा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके जितने सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं उसको, इसके अलावा जितना आप बैकअप डालते हो, जितना आप ऑडियो डालते हो, वीडियो डालते हो, सब इसी में जाकर लोड होता है। इसके बाद इसमें होता है हेड। हेड का जो मेन कंसेप्ट है ये होता है फेराइट हेड। हेड और प्लेटर के बीच जो डिस्टेंस होता है वो इंच के 1,17,00,000 हिस्से की दूरी पे ये काम करता है, इससे टच होके नहीं चलता है। तो ये मेन चीज़ है, अगर ये टच होगा तो ये पूरा क्रैश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसमें आप पार्टीशंस करते हैं तो प्लेटर में इस तरह से होते हैं, यहाँ से ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, इस तरह से पार्टीशंस होते हैं। ये हो गया आपका हेड, ये हो गया हेड का आर्म, ये हो गया आपका एक्यूटर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस। ये होता है आपका एक्यूटर, ये दिख रहा है आपको, ये एक्यूटर है। एक्यूटर से एक केबल निकली होती है जो इसके पीछे PCB पे जाती है। ठीक है, तो ये जो भी हेड रीड राइट करता है वो यहाँ से इसके थ्रू, ये आपका ये एक्यूटर, ये इसके इस केबल के थ्रू पीछे यहाँ पे आती है। ठीक है, इसके बाद ये जो इंटरफेसेस हैं, ये तो ID इंटरफेस, इसे हम आप साटा इंटरफेस में आ रही है। इसके अलावा ये पावर सप्लाई 4 पिन की, तो 12 और 5 वोल्ट और 2 ग्राउंड। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका प्लेटर, ये आपका हेड आर्म, ये हेड, ये एक्सिस धुरी, और ये आपका पूरा एक्यूटर। एक्यूटर मतलब एक मोटर है, 2 मैग्नेट है और बीच में कॉइल है, तो जैसे करंट आता है ये घूमना स्टार्ट हो जाती है। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। तो एक्यूटर का काम क्या है, हेड को मूव करना, क्या करना, हेड को मूव करना। प्लेटर पे 0-1 पे डेटा क्या होता है, लोड होता है। ठीक है, इसके बाद जो भी रीडिंग राइटिंग इस तरह से चलती है। अब आ गई सॉलिड स्टेट SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें ये प्लेटर का चक्कर खत्म हुआ है और सीधा सीधा इसमें क्या आ गई है, ऐसे ही ICs में पूरा डाटा क्या होता है, लोड होता है। तो इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्पीड भी फास्ट है, और ये जो मैकेनिकल वर्क है ये टोटल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इस कारण है क्या होती है, हार्ड डिस्क बहुत जल्दी 4-5 साल में क्या होती है, ख़राब भी होती है। तो सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क की स्पीड अच्छी, डाटा ट्रांसफ़र रेट फास्ट, प्लस ये जो मूवमेंट है ये सब क्या है, उसमें होता नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ चलेगी। जैसे आज आप पहले देखे कैसेट्स चलते थे, तो कैसेट्स में क्या होता था, मोटर से इसको घुमाती रहती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। इस कारण क्या होता था, पुली और ये सब बार बार प्रॉब्लम करती थी, मोटर प्रॉब्लम, बेल्ट टूट रही। आजकल सीधा क्या कर दिया, USB लगा दिया, सारे USB पे आप सारा क्या करो, पेन ड्राइव लगाओ, सारी चीज़ें लगाओ, तो उनमें आजकल जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ना के बराबर सी हो गई है। तो इसी तरह से अब जो SSD हार्ड डिस्क आई है, बहुत साइज़ में छोटी, साटा इंटरफेस में, और इस तरह से उसमें पूरी चीज़ें बनी होती है। तो ये हार्ड डिस्क है, अब इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देखिए कैसे चलती है। आप इसको देखिए ध्यान से, ये चल रही है। ठीक है, ये हेड मूव हो रहा है, ठीक है, ये ठीक, ये यहां से जैसे आप पार्टीशन करेंगे, मान लेते हैं कि अगर ये 400 GB की हार्ड डिस्क है, 100 GB का करते हैं तो 100, 200, 300, 400 कुछ इस तरह से चलेगी। ये हेड का आर्म है, जैसे जैसे इसको कमांड मिलेगी वैसे वैसे रीड राइट करता हुआ जाएगा। ठीक है, अब ये तो इसमें ख़राब हो गया खोलने से, इसको खोलते समय बच्चों ने ख़राब किया, बाकी ये टच होके नहीं चलता, वरना ये क्या इतनी आवाज़ कर रही हार्ड डिस्क, मतलब ख़राब हो रही है, हेड कहीं ना कहीं प्लेटर से जाकर टकरा रहा है। अब पीछे देखिए, ये PCB लगी हुई है,
ये पीसीबी पे ये 12 वोल्ट, ये 5 वोल्ट रेड वाला, ये 12 वोल्ट ये सप्लाई जा रही है और यहाँ पर इंटरफेस, ये जंपर्स चलते थे, अब ये चीज़ें नहीं है। सीधा साटा में क्या है, साटा में 15 और 7 पिन का कंसेप्ट है, प्लस इतनी जो एसएसडी हार्ड डिस्क है वो इतनी बड़ी भी नहीं होती, छोटी सी हार्ड डिस्क होती। तो ये देखिए, अब मैं इसको एक बार बंद करता हूँ, निकल, ये देखिए थोड़ा सा जूम करके इसको लेना, अब चलाओ, फिर चला रहे हैं हम इसको, ये चालू हो गई, आप देख पा रहे होंगे ये हेड चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हार्ड डिस्क में काम होता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती थी, ये देखिए, ये जो आपकी नमी वगैरह कुछ उसको क्या करता था, ये सोख लेता था, उसके लिए यहाँ पर लगाया जाता। तो कभी भी आपको इस तरह की चीज़ें मिले तो इसको ध्यान रखिए, लगाए वापस, नहीं तो इसके अंदर क्या होगी प्रॉब्लम। प्लस हार्ड डिस्क मैंने खोल दी है, ये वीडियो बनाना था इसमें, बाकी हार्ड डिस्क को खोलना नहीं चाहिए क्योंकि सनलाइट और डस्ट इसको बहुत जल्दी क्या कर सकती है, ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो इसको खोला नहीं जाता, जो भी काम होता है इसको बंद करके ही सारा काम होता है। तो ये आपका प्लेटर, और इसी में डेटा क्या होता है, पूरा आपका रहता है। तो जब डाटा रिकवरी चलाते हैं, जब हम डेटा रिकवरी चलाते हैं, तो वो 0101 में किस डेट पे डेटा है उस हिसाब से वो वापस रिकवर हो जाता है। तो कभी भी याद रखें पेन ड्राइव, कभी भी याद रखें हार्ड डिस्क, कभी भी याद रखें मेमोरी कार्ड में, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके लिए इशू बन सकता है, वो सारे डेटा को वो या उस डिवाइस को बेचने से अच्छा उसको आप तोड़ के फेंक दें, क्योंकि ये प्लेटर है जब तक तब तक इसका डाटा रिकवर हो जाएगा। इस हार्ड डिस्क से निकाल के भी इसको हम डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो जब तक आप इसके टुकड़े टुकड़े करके ना फेंक दें, तब तक इसमें से डाटा का टुकड़ा भी बचा है तो भी डाटा रिकवर करने के लिए मशीन आती है जिसके द्वारा इसको रिकवर कर लिया जाता। तो मेरा मेन उद्देश्य था वीडियो बनाने का कि आपको ये हार्ड डिस्क के अंदर कैसे काम होता था, ओल्ड हार्ड डिस्क को मैं वो भी बताना था। इसमें आपको फिर से बता देता हूँ, इसको कहते हैं प्लेटर, ये कहलाता है आपका एक्यूटर, ये कहलाता है हेड, ये हेड आर्म, ये एक्सेस, यहाँ से डाटा जो भी रीड राइट होता है वो यहाँ इसके थ्रू केबल से यहाँ जाता है, ये इंटरफेसिंग यहाँ से फिर आपकी पीसीबी में जाती है, और पीसीबी के बाद फिर क्या होता है यहाँ से ये पावर सप्लाई, और पीसीबी के बाद फिर यहाँ पे कहाँ जाता है इस इंटरफेस केबल से। अब साटा है तो साटा तो आपने देखी होगी, वो भी मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगा। इस तरह से ये पूरी हार्ड डिस्क काम करती है। अब अगर हार्ड डिस्क में इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा आवाज़ें कर रही हैं, तो मतलब ये हेड सही से काम नहीं कर रहा है। हार्ड डिस्क में से अगर अब हमने इसको खोला और पावर सप्लाई देने के बाद भी अगर ये प्लेटर नहीं मूव हो रहा है, तो इसका मतलब हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई से रिलेटेड कोई दिक्कत है, जो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। देखिए मैंने रोका इसको, आवाज़ आ रही, थोड़ी देर में फिर चालू हो जाएगी, हो गई चालू, ये ऐसे रुक जाएगी, ये रुक गई, फिर चालू हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके लिए होती हैं, ठीक। अब जैसे आप शटडाउन कमांड देते हैं, शटडाउन कमांड देने के बाद क्या होता है, अब जैसे आप एकदम से हार्ड डिस्क बंद करते हैं, तो जहाँ पर हेड प्लेटर के ऊपर है वहीं पर उस डेटा को क्या कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है। जब आप शटडाउन कमांड देते हैं, तो जैसे कोई अगर हम वर्ल्ड की बात करें, तो जब वो नीचे उतरती है तो सबसे पहले अपनी फ्लाइट कंट्रोल करती है, धीरे 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 आकर लैंड होती है। तो जैसे हम इसे शटडाउन कमांड देते हैं कंप्यूटर से, ये अपना प्लेटर और हेड दोनों अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं एकदम स्लो स्लो स्लो, और हेड जाकर सीधा क्या होता है, हेड पार्किंग एरिया में जाकर खड़ा हो जाता है। इसी प्लेटर पे MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, डॉस बूट रिकॉर्ड होता है, सब कुछ इसी प्लेटर के अंदर ये इस जीरो ट्रैक सेक्टर्स पर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आपका हार्ड डिस्क से रिलेटेड वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।